तो लिफ्ट के कर्मचारी, लिफ्ट के मैकेनिक जो है मौके पर पहुंच गए हैं। एसडी विद्या मंदिर से आपकी लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। लिफ्ट खोलने की कोशिश की गई है, तो जैसे ही लिफ्ट खोली तो यहाँ पर परिजन जो है मौके पर पहुंच गए हैं। तो लिफ्ट को खोला जा रहा है। दिल्ली से ये टीम बुलाई गई है, जैसा कि बताया जा रहा था कि दिल्ली से ये लोग आएंगे। तो काफ़ी दर्दनाक हादसा पानीपत के एसटी विद्या मंदिर से आप लोग देख रहे हैं। अभी भी लिफ्ट में व्यक्ति फंसा हुआ है, बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। एक तो इतना बड़ा हादसा, उसके बाद 2.5-3 घंटे बाद लिफ्ट के मैकेनिक यहां पर पहुंचे हैं। तो लिफ्ट को खोले जाने की कवायद जो है वो चल रही है, क्योंकि डेड बॉडी इस हिसाब से यहाँ पर अटकी हुई है कि अगर जो लिफ्ट को थोड़ा सा भी खोला तो डेड बॉडी जो है सीधा नीचे जाएगी। लिफ्ट कर्मचारी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप? दिल्ली से आए हो? पानीपत से सर। पानीपत से हेल्प के लिए आए हम तो। अच्छा, हेल्प के लिए आए हो। अच्छा, तो फिर रोहित है भाई, लिफ्ट को नीचा लूंगा। पानीपत से ये आए हुए हैं मैकेनिक, अभी दिल्ली के मैकेनिक यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो ये हो सकता है इसमें टेक्निकल क्या इशू हो सकता है, कैसे गिर सकता है? मैं नहीं बता पाऊंगा सर। सर उनको मतलब क्योंकि हम उधर कंपनी से आए हैं। जी जी। अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करेंगे। जी जी। ना हमारा फोटो लो ना हमको लो, क्योंकि हमको इमरजेंसी में आए हैं। दूसरी आप काम करो, अपना साथ के साथ काम करते रहो अपना। हाँ, वो जरूरी है पहले। और नीचे लूंगा लिफ्ट तो ये ऊपर से खींचे जाएंगे, ठीक है? और लिफ्ट ऊपर ली तुम लोग इसे का, ठीक है? समझ रहे हैं ना? नीचे गिरने के चांस है। लिफ्ट को नीचे लेके 2 घंटे और आपको बढ़ा देते हैं, ठीक है? दो तीन बन देती है ना, कम करके काम देख रहे हैं। तो भी समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे रेस्क्यू किया जाए इस सारे ऑपरेशन को, क्योंकि सिर्फ गर्दन जो है व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन बाकी का धड़ जो है वो नीचे है। कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि दिल्ली के मैकेनिक अभी पहुंचे नहीं, पानीपत की अदर कंपनी जो है यहां पर पहुंच गई है, वो इस सारे मामले को देख रही है। क्योंकि 3-4 आदमी इसमें चाहिए होंगे, नहीं तो ऊपर से शव ऊपर नहीं आ सकता, और नीचे खोलेंगे तो वो नीचे गिरेगा। तो अभी लाइव तस्वीरें हम आपको बताते रहेंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे। अभी जो है मौके पर पुलिस तैनात की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई झड़प ना हो। स्कूल प्रशासन को मौके से भेज दिया गया है, क्योंकि परिजन जो है काफ़ी गुस्से में। ये इतना गैप होता है इसमें कि आदमी आ जाए इसमें? एक्चुअली तो 30 mm होता है सर रनिंग क्लियरेंस इसका, उसमें तो बंदा नहीं है वैसे। हम नहीं बंदा, आदमी नहीं जा सकता। कैसे मैडम? मेरे को नहीं पता है। टेक्निकल, वैसे टेक्निकल बात कर रहे हैं, हम नहीं बता सकते कुछ भी। मैं इतना गैप तो नहीं हो सकता कि आदमी बीच में चला जाए? नहीं, उतना नहीं होता। किसी ने जबरदस्ती करा होगा? ना ना ना, नीचे फट्टे लगा दिए। इसे तो फिर समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कंपनी से जिस कंपनी से कर्मचारी है उनका ये कहना है कि लिफ्ट में इतना सा गैप होता है, थोड़ा सा 6 इंच का। और ये आदमी कैसे यहाँ पर आया, ये भी एक जांच का विषय है। किस काम के लिए आया वो भी जांच का विषय है, और शरीर कैसे चला गया अंदर ये भी जांच का विषय है। पूरा रेस्क्यू जो है किया जा रहा है, ये नीचे जो है ले जाया जाएगा। नीचे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और नीचे जो है रेस्क्यू जो कैसे किया जाएगा पूरे ऑपरेशन को। तो लाइव तस्वीरों के साथ आप बने रहिए और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही
दिल्ली के मैकेनिक का ना पहुंचना ये भी एक बड़ी लापरवाही है। तो ये टीम समझने की कोशिश कर रही है कैसे शव को जो है निकाला जाए। तो ये लिफ्ट का नीचे का जो विजुअल है वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तो लिफ्ट जो है ऊपर से ये नीचे जानी है और ये ऊपर जो है फंसा हुआ है, यहाँ पर फट्टे लगाकर जो है निकालने की कोशिश की जाएगी। बड़ा दर्दनाक दृश्य जो है हम लोग आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन समझाने की जरूर कोशिश कर सकते हैं कि कैसे लिफ्ट में ये व्यक्ति फंसा हुआ है। ये कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी जो हैं मौके पर पहुँचे हैं, हालात देख रहे हैं। लिफ्ट के कर्मचारी भी जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरे मामले का कैसे ऑपरेशन किया जाए ये देखने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो है सारा मामला सामने आएगा। इस सारे तो हादसा जो है पानीपत के HT विद्या मंदिर सीनियर विंग में हुआ है और लाइव तस्वीरों में आप बने रहिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अभी कैसे ये रेस्क्यू होगा। तभी सूचना ये है कि जिन लिफ्ट कर्मचारियों को बुलाया गया था, मैकेनिक को बुलाया गया था, वो अभी थोड़ा कंफ्यूज में है कि कैसे निकाला जाए शव को। तो दूसरे भी कर्मचारी, दूसरे भी मैकेनिक आएंगे, उसके बाद ये सारा रेस्क्यू किया जाएगा और शव को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अभी जो शव के सिर्फ हालात आपको बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। स्कूल आपको बता दें कि पानीपत का HD विद्या मंदिर सबसे बड़ा स्कूल जो है पानीपत में माना जाता है, सेक्टर 11-12 हुड्डा में सीनियर विंग है ये, उनकी शाखा यहाँ है और यहाँ पर ये लापरवाही हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिजनों में रोष बना हुआ है। एक बार फिर से परिजनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं इस मामले में। मतलब अभी लिफ्ट वाले आए थे, क्या लगता है ये, जैसे वो कह रहे थे कि 6 इंच की जगह थी, आदमी उसमें जा नहीं सकता, कोई हादसा तो नहीं लगता फिर? ये तो स्कूल बताएगा जी, स्कूल मैनेजमेंट बताएगा, CCTV के फुटेज निकाली जाए, खंगाली जाए, उसमें सब कुछ पता लग जाए कौन इसको मार के यहाँ फंसा के गया है, किसी ने कुछ तो किया है। ये तो हो नहीं सकता कि बच्चा अंदर गया और उसने कहा कि मैं वही, चलो मेरे को मार दो, मैं मर गया, ऐसा तो होता नहीं। या तो ये लिफ्ट पहले से ख़राब है इस जगह से और बच्चा इसमें से उतरने लगा और वो फंस गया, या तो ये होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि प्रशासन ने इसको मार दिया है, स्कूल की मैनेजमेंट ने इसको ख़त्म किया है, सारी कमी स्कूल की मैनेजमेंट की है। मेरी दरख्वास्त ये है कि इस स्कूल की जो CCTV कैमरे हैं उनको खंगाला जाए, उसके अंदर सब कुछ मिल जाना। यहाँ लिफ्ट के आसपास तो कोई CCTV कैमरा लगा नहीं है, ऊपर है, ये लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। ये किस टाइम तो इसके अंदर घुसा, किस टाइम ये इसके अंदर, कौन इसके साथ था, कौन पहले से था, किसने लिफ्ट को तोड़ के जो है ना अंदर घुसा, बाहर निकला, सब कुछ इसमें पता लग जाएगा। क्योंकि अभी जो मैकेनिक से बात हो रही थी वो भी ये कह रहा था कि इतनी जगह से 30 mm का रास्ता, 6 इंच नहीं, 30 mm, 30 mm तो मेरे ख्याल से 6 इंच भी नहीं होता होगा, ठीक है ना, 30 mm मतलब 3 cm, तो मेरे तभी तो वहाँ ले जाके मारा, वरना किस लिए, मतलब ऐसे कैसे, वो कोई पहली बार लिफ्ट यूज़ कर रहा था, वो पता नहीं कितने सालों से यहाँ, 7-8 पता नहीं 10 सालों से यहाँ काम कर रहा, उसे लिफ्ट में नहीं चलना आता, उसे ये नहीं पता चलता इतने से, मतलब उसमें वो इतना बड़ा, इतना 35 साल का एक बच्चा फंस जाएगा, मतलब 35 साल का एक आदमी, 87 में उसका जन्म हुआ था, आज वो 34 साल का हो रहा है, क्या वो फंस जाएगा उसके अंदर? छोटे छोटे बच्चे नहीं फंस सकते उसके अंदर, तभी तो जहाँ पे कैमरे हैं वहाँ पे कोई, तभी तो स्कूल प्रशासन नहीं है, या तो उनका कुछ होगा जो पता चल गया होगा इसको, इसीलिए मारा होगा, कुछ तो होगा ना, क्यों मतलब क्यों हो रहा, क्यों नहीं यहाँ कोई खड़ा,
जब यहाँ 50-100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों नहीं खड़ा कोई, क्यों नहीं लिफ्ट खोलने वाला आ रहा, और क्यों मतलब अब क्यों सारी कार्यवाही, अब रात हो जाएगी। तो ये तरीका है, जिसका बच्चा जाता है पता तो उसको चलता है ना, जवान बच्चा, नवंबर में शादी हो रही है उसकी, 6 महीने शादी क्यों नहीं हुई उसकी, पता तो उसको चलता है। हलवाई हट्टा में आपको किसी अनहोनी का डर लग रहा है कि मतलब कुछ कर ना दिया हो इसलिए यहाँ पर, ऐसा लग रहा आपको? कुछ तो हुआ ही होगा। परिजन ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन देखो फिर से आपको लिफ्ट की तस्वीरें जरूर दिखा दें। ये नीचे का दृश्य है और पूरा हम लोग दृश्य खोल नहीं सकते क्योंकि दर्दनाक हादसा है ये। अभी यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर उस व्यक्ति की टांगे हैं और इसके ऊपर जो है, जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पर धड़ है उसका। तो वीडियो में आप बने रहिए अभी, क्योंकि लिफ्ट के कर्मचारी पहुँचे थे, अभी रेस्क्यू कैसे करें इस सारे मामले को, इस बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे। अभी जो आगे की तस्वीरें हैं इसको लेकर हम लोग दोबारा आपके सामने लाइव होंगे। एक बार फिर से बता दें, पानीपत के SD विद्या मंदिर का जो ये मामला है वो आपको दिखा रहे हैं। सीनियर विंग जो है हुड्डा में, उस स्कूल की एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। उस लापरवाही की वजह से आज एक बच्चे की, एक व्यक्ति की जान चली गई। अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। तो जैसे कि अपडेट होगी इसमें हम लोग दोबारा आपके सामने लाइव होंगे।